इस प्रदर्शन के अंदर युवा साथियों ने बड़े पैमाने पर भाग लिया है। आइए उनकी मन इच्छा क्या है, उनके दिल के अंदर किस तरीके के गुब्बार हैं, हम इनसे जानते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम वकील जोरी है, मैं जामिया से हूँ और यहाँ बिजनौर से भी बहुत सारे लोग आए हैं। बिजनौर से बोलता हूँ, बिजनौर में भी ये प्रोटेस्ट हुआ है, पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट हुआ है, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहा है। तो कुछ तो प्रॉब्लम है वहाँ पर, ठीक है ना, छोटे छोटे बच्चों को काटा गया है, ठीक है ना, कहाँ से जाने था। ये जो प्रोटेस्ट था, ये जो हमारा एक पार्लियामेंट मार्च था मंडी हाउस से, तो ये इंसानियत को लेकर था। वहाँ पे सिखों के साथ भी वो सॉरी दलितों को हिंदू के साथ भी जुल्म जाते की जा रही है, उनको भी मारा काटा जा रहा है, मुसलमान के साथ तो किया ही जा रहा है। तो ये इंसानियत को लेकर हम यहाँ आए। हमारा एक मैसेज ये है कि इंसानियत नहीं मरनी चाहिए। हमने ये यहाँ आके ये किया कि हम लोग जिंदा हैं और सब लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं, मोदी गवर्नमेंट को भी कहना चाहते हैं कि जो लोग यहाँ रिफ्यूजी यहाँ रह रहे हैं उनको यहाँ से ना निकाला जाए, उनको कंपलसरी ऐसी जगह रखा जाए कि वो अगर उनके अंदर कुछ गलतियाँ हैं तो उनको सुधारा जाए। ये आतंकवादी हैं, फलाना ढिमकाना, ये बातें कह के ये कोई तरीका नहीं है कि हाँ वो कर देंगे। बाहर से हिंदू भी आते हैं, पाकिस्तान के हिंदू भी यहाँ आ रहे हैं, उनको भी वेलकम करना चाहिए। यहाँ के कुछ लोग कहीं भी जाते हैं तो वहाँ उनको भी वेलकम करना चाहिए। लोगों की जो है ना परेशानियों को हल करना चाहिए। हर गवर्नमेंट की कम ये होता है कि वो उनको जो है ना उनकी परेशानी को हल करे। इंसानियत को लेकर हम यहाँ आए थे कि इंसान अभी ज़िंदा है, ठीक है ना, पूरी दुनिया में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। सर क्या इसको जैसे ये बर्मा के अंदर हुआ, क्या ये मजहबी माने या किस तरीके इसका इनका जो इस तरीके जो कत्लेआम है? देखिए आंग सान सू जो है ना उनको एक नोबेल पुरस्कार मिला है शांति का, और उन्हीं के हाथों उन्हीं की पावर में रह के इतनी कत्लेआम हो रहा है, और हिंदुओं का भी हो रहा है, मुसलमानों का भी हो रहा है, और कम्युनिटी का भी हो रहा है। तो ये एक का नहीं। और हम लोग जो यहाँ जो यूथ है या जो भी यहाँ आते हैं सब के, तो कल भी यहाँ चार प्रोडक्ट थे चूल्हे पर, एक दो नहीं, या पूरी अभी बिजनौर में, रामपुर में, हमारा पूरे भारत में हो रहा है, पूरा भारत में पूरे देश में। तो ये एक का मसला नहीं है, ये सबका मसला है। बच्चों की रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी काटा गया, और जो प्रेगनेंट लेडीज थी उनके पेट से बच्चा निकाला उनको भी मारा गया। तो देखिए मैं रोगियों के साथ में काम कर रहा हूँ पिछले 2012 से, जहाँ जहाँ इनके कैंप है उनमें जाकर मैंने काम किया है, मैंने उनकी परेशानी देखी। एक लेडीज़ थी जो इधर नू की साइड में, फरीदाबाद की साइड में, वहाँ पे उसका बच्चा पेट में मर गया। वहाँ पे उसके पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि वो लोग सब जो कूड़ा चुनने वाला काम करते हैं, तो वो बहुत बुरी हालत में यहाँ रह रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए, यूएनओ को चाहिए कि उनको कंपनसेशन दे उस चीज़ का जो उनसे वादा किया था, जो और दिया जाता है। और यहाँ की गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उनके साथ जो एक तो उनका जुल्म हो रहा है, दूसरा यहाँ से निकालने की बात की जा रही है उनको। उन वहाँ पर क्या हो रहा है तो सुनने में आया है कि वहाँ के लोग यहाँ रोहिंग्या रह रहे हैं, यहाँ पर आके रह रहे हैं जिनको शेल्टर मिला हुआ, उनकी यहाँ इतनी बुरी हालत है कि लोगों को 40-50-200-300 लोगों को एक जगह बंद करके सबको जला दिया गया। उनको उनकी जो मारा काटा गया, पहले नीचे से स्टार्ट किया, छोटा बच्चा है उसको पैर से काटा है, उसको काटते काटते पेट तक काट दिया है, उसके पेट में चूरा घोप दिया है, उसके गले में चूरा घोप दिया है, ठीक है, उसकी आंखें तक निकाल दी गई है, गाल काट दिए गए हैं उनके, गर्दन काट दी गई है। और तो और वहाँ पे उनको जलाने के अलावा उनको क्या बोलते हैं जानवर खाने के अलावा उनको गिद्ध जो है ना खा रहे हैं वहाँ ऐसे करके, ये मतलब बेहिसाब। तो आंग सान सू को जो है ना ये पुरस्कार वापस करना चाहिए, वो उसके लायक नहीं है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ की परेशानी को समझ के यहाँ की परेशानी को समझे। कल को मले हिंदू के साथ भी कोई जुल्म होता है तो मुसलमानों के साथ दे, मुसलमानों के साथ होता है तो सिख उसके साथ दे, सिख के साथ होता है तो ईसाई उसके साथ दे। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपसी भाईचारे को लेकर हम ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, ना कि किसी एक कम्युनिटी को लेकर। सर भारत सरकार से क्या मांगे हैं आपकी? देखिए भारत सरकार से डिमांड हमारी ये है कि हम इंडिया के अंदर भी अगर कोई गलत काम करता है उसको उसकी सज़ा मिले, तो फास्ट कोर्ट हो। यहाँ भी कोई गलत काम कर रहा है, कहीं भी कुछ गलत कर रहा है, आतंकवाद भी पड़ा है, 20 साल में 30 साल में छूट रहा है, वो पता नहीं क्या क्या होगा, 3 महीने 4 महीने 6 महीने की फास्ट कोर्ट बनाया जाए, जो इस तरह का किया जाता है। और ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है कि हाँ आतंकवादी है और फलाने नहीं। आतंकवादी हिंदू मुसलमान सिख कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, उसको कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, उसको फास्ट कोर्ट होना चाहिए। और डिमांड हमारी ये है कि अमन का देश है ये इंडिया, यहाँ सबको आने का अधिकार दिया जाए, और अगर किसी कहीं भी देश में कहीं कुछ होता है तो सभी देशों को दे दीजिए कि वहाँ तो जाने का अधिकार दिया जाए।